क्रिकेट प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत है। जैसा मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में दैट मैं चैप्टर वाइज डिस्कशन करने वाला हूँ, पीडीएफ शेयर करूंगा सो दैट यू नो कि कौन सी चीजें इंक्लूडेड है आपके एग्जाम्स के लिए, कौन सी चीजें एक्सक्लूडेड है, बिकॉज लास्ट एक साल में काफी सारे एडिशंस डिलीशंस हुए। सो एज अ स्टूडेंट इट्स ओके इफ यू आर बिट कंफ्यूज, सो कंफ्यूजन क्लियर कर ले अपन, दैट्स द रीजन। आई नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स फ्रॉम योर एंड, बट फटाफट देख लेते हैं क्या क्या अपने को चैप्टर नंबर 8 में देखना है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एज यूजुअल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में दो ऑर्गेनाइजेशन ऐड हो गए हैं, एक है एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मेरे हिसाब से मई नवंबर 22 के लिए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। न्यूली एडेड कॉन्सेप्ट है ये, सो कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। आरओआई आरआई फ्रीक्वेंटली आ ही रहा है एग्जाम में। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, भाई साहब 3 बार एग्जाम में आ चुका है एंड अप्रोक्सीमेटली 20-20 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं इसके। नवंबर 20 में 20 मार्क्स के लिए पूछा था, अदर देन दैट 10 मार्क्स के लिए भी वो लोग पूछ रहे हैं एक दो बार। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। और फिर एक है शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड, जो रिमूव कर दिया है इन्होंने, बट फिर भी उन्होंने गलती से मेरे हिसाब से पूछ लिया था दिसंबर 21 एग्जामिनेशन में, बट आपको ये करने की जरूरत नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये एग्जाम में अब नहीं आएगा। सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 3 ही है, आरओआई आरआई ईवीए, इसमें से ईवीए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड डिलीटेड। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पहले खाली फंक्शनल और डिविजनल थे, दो नए एड हुए हैं एंटरप्रेन्योरल एंड मैट्रिक्स, इसमें से मैट्रिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे आते हैं नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स है। मेरे हिसाब से अब हाई टाइम हो गया है कि बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल या बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर इंस्टीट्यूट कोई ना कोई क्वेश्चन पूछने ही वाला है। सो आई फील बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है मेरे को कि बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल या बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा आपके मई या नवंबर 22 एग्जाम में। उसमें भी एक केस स्टडी उन्होंने रिमूव कर दिया है। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में जो ग्रैब एंड गो का एक केस स्टडी था वो आईसीएआई ने अपने मॉड्यूल में से रिमूव कर दिया है, सो नो नीड टू डू दैट। CSF KPI स्मार्ट, ये काइंड ऑफ जेनरिक questions है, इसके ऊपर कुछ थ्योरी में से आ सकता है, सो दे आर स्टिल देयर। देन बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी इंपॉर्टेंट है। बेंचमार्किंग, सो अब देखो इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है। 2021 का जो उन्होंने मॉड्यूल निकाला ना, उन्होंने उसमें टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग थोड़ा नया इंट्रोड्यूस किया, प्रोसेस ऑफ बेंचमार्किंग थोड़ा नया इंट्रोड्यूस किया, और फिर मई 22 का जो मॉड्यूल आए उन्होंने उसमें से टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग जो नया इंट्रोड्यूस कर दिया वो रिमूव कर दिया, प्रोसेस ऑफ बेंचमार्किंग जो नया लाए थे वो रिमूव कर दिया, प्रीरिक्विजिट्स ऑफ बेंचमार्किंग रिमूव कर दिया। सो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रोबेबली आईसीएआई कंफ्यूज है कि चाहती क्या है वो, बिकॉज 21 में इंट्रोड्यूस किया, 22 में उसको रिमूव कर दिया। एनीवेज एज अ स्टूडेंट वी शुड नो दैट टाइप्स process and prerequisites of benchmarking is to be removed from your working notes. So, ye mat karna, ye tino cheeze remove ho chuki hai. Performance measurement in not-for-profit sector as it is hai. Baki models, jo bhi NPO sector wale adapted balance scorecard value for money is also as it is. Case study digest mein maximum weightage diya hai unhone chapter number 8 ko. And jaisa ki aap yaha pe dekh sakte ho ki case studies केस स्टडी डाइजेस्ट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, केस स्टडी, केस सिनेरियो, एसबीएक्यू स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चंस। तो उसमें केस स्टडी अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 9 एंड आई थिंक क्वेश्चन 11 इज फॉर दिस चैप्टर नंबर 8। केस सिनेरियो में क्वेश्चन 1, 9, 11 एंड आई थिंक 12 परफॉर्मेंस पिरामिड वाला है, एंड एसबीएक्यू 2, 4, 7, 8, 12, 21, 22 ये चैप्टर नंबर 8 में से है। सो ये पीडीएफ जैसा मैंने बोला आपको टेलीग्राम में से यू कैन डाउनलोड फ्रॉम माई चैनल, सो वहां से आपको मिल जाएगा। सो ये केस स्टडी में, केस स्टडी डाइजेस्ट में से अगर चैप्टर नंबर 8 आपको स्पेसिफिकली रिफर करना है, यू नो वॉट ऑल क्वेश्चन टू फॉलो। आरटीपी मई 21 में क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 है एंड आई थिंक क्वेश्चन 8 है, तो ये 2-3 क्वेश्चन कर लेना। ICAI स्टूडेंट जर्नल इस चैप्टर में से, चैप्टर 8 नंबर में से कुछ भी नहीं है। सो प्लीज जब भी आप चैप्टर 8 पढ़ने बैठो, और अगर आपके पास ICAI का पुराना मॉड्यूल है या ऑप्टिमाइज पुराना वाला है या जो भी ऑथर का आपके पास बुक है वो पुराना वाला है, देन इन दैट केस ये पीडीएफ को रेफर करना सो दैट यू आर श्योर के इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जो भी है आपके पास एक जगह पे हो, सो दैट ऐसा ना हो कि एक्सक्लूजन भी आप फ्लो में पढ़ लो एंड देन मालूम पड़े अरे ये तो था ही नहीं।
दैट्स द होल रीजन फॉर दिस पीडीएफ. ठीक है, आई होप आपको ये सेशन यूजफुल लगा होगा. टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता. बाकी सब चैप्टर्स के भी सेशन आ रहे हैं. बाकी आपको कुछ अलग से चाहिए देन कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिएगा. मिलते हैं बहुत जल्द. टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग.